मतलब एंट्री तो ऊपर से किया था, एंट्री वहां से किया था, ऐसे पता नहीं कहां कहां से घूमते घूमते इधर से निकल गया, नहीं आ गया जहां से चले थे यार, फ्लोर पे चले। फाइनली यार बहुत देर के बाद मैं खो ही गया था। फ्रेंड दिस इज रॉ एंड आई वेलकम यू ऑल इन माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ लखनऊ में, लखनऊ को एक्सप्लोर करने के लिए। गाइस अगर लखनऊ को कहा जाए किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये फेमस तो वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए है, लेकिन मोस्ट फेमस अपने बड़े इमामबाड़े के लिए फेमस है, जो लखनऊ का एक सिंबल भी है। यहाँ पे अगर कोई विजिट करने आ रहा है अगर यूपी में, तो लखनऊ जरूर विजिट करने आता है। अगर आप नहीं आए, लखनऊ विजिट नहीं किए हैं और अगर करना चाह रहे हैं, तो आप लखनऊ के इमामबाड़े में ज़रूर आएँ। और यहाँ पे आपको मुग़लों का जो मॉन्यूमेंट अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया है, उसको आकर आकर देख सकते हैं। तो गाइस आज मैं उसी मॉन्यूमेंट्स को कवर करने के लिए आया था, एक्सप्लोर करने के लिए आया था। तो गाइस चलो इस वीडियो में लखनऊ का जो बड़ा इमामबाड़ा है उसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना गाइस, मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे वैसे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आप पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं क्लॉक टावर है, और ये जो पिक्चर पैलेस है, पिक्चर प्लेस जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे मुगल के टाइम पे जितनी पिक्चर थी, आर्ट वगैरह थी, उसको इसमें कलेक्ट करके रखा गया है। तो गाइस सबसे पहले मैं चलूँगा इसके अंदर और देखूँगा इसके अंदर क्या क्या पिक्चर्स हैं वगैरह देखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम वहाँ पे पीछे बड़े इमामबाड़ा में। तो गाइस चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का पिक्चर गैलरी, चलो यार इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। मोस्ट प्रॉबली मुझे लग रहा है देंगे, मुझे क्लिक करने नहीं देंगे, देखते हैं क्या होता है, चलो एंट्री करते हैं। गाइस यहाँ पिक्चर गैलरी में तो आ गया था मैं, ये जस्ट मेरे पीछे है, लेकिन इसके अंदर वीडियो बनाने नहीं दिए हैं भाई। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन पिक्चर लगी है यार, 3D इफेक्ट की उस टाइम की बता रहे थे, 200 साल पुरानी की जो पिक्चरें हैं, तस्वीर पेंटिंग है यहाँ पर रखी गई है, वाजिद अली शाह की, पता नहीं कितने जितने भी लखनऊ के नवाब रह चुके हैं सबकी पेंटिंग इसके अंदर है। और इसका टिकट, अगर आप यहाँ का टिकट और बड़े इमामबाड़े का टिकट ले रहे हैं, कंबाइंड टिकट ले रहे हैं, तो आपको पड़ेगा 50 रुपीज़ का, और अगर केवल यहाँ का टिकट ले रहे हैं तो इस गैलरी का जस्ट टिकट 20 रुपीज़ है। तो मैं कहूँगा आप दोनों का एक कंबाइंड ले लीजिए और यहाँ पहले देख लीजिए, उसके बाद जस्ट वहाँ चले जाइए। और हाँ यार, यहाँ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ की जो टाइमिंग है वो आप 5 बजे तक गेट क्लोज हो जाएगा। तो गाइस अभी बच रहा है मेरे पास 4:30, तो मैं जस्ट निकल रहा हूँ यार, ये मैं बताने के लिए जस्ट अभी यहाँ पर रुक गया था कि यहाँ पे यार वीडियो के अंदर मतलब बनाने नहीं दे रहे थे, तो मैं जस्ट आपको बता दिया। चलता हूँ यार रूमी, वहाँ पर रूमी गेट के अंदर से एंट्री मारता हूँ और बड़े इमामबाड़े में चलता हूँ, वरना गेट क्लोज है, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये रहा पिक्चर गैलरी यार, जस्ट भाई इसके अंदर जो पिक्चर्स बनाए गए हैं, पेंटिंग यार फॉरेन ने बनाया, कोई ब्रिटिश टाइम का कोई था पेंटर, बहुत ही गजब की पेंटिंग बनाया, मतलब 3D इफेक्ट। जो नवाब के जो जूते हैं और उनकी जो आँखें हैं, आप जिस साइड चलोगे उसी डायरेक्शन में आपको फोकस करती हैं भाई। मैं देख के एकदम शॉक हो गया कि किस तरह से सोच के बनाया होगा, मतलब एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं, आप देखेंगे आगे तभी आपको पता चलेगा भाई, एकदम शानदार बनाया गया है, पेंटिंग करने वालों को सल्यूट। और ये इसको इसके अंदर से जस्ट एंट्री करने से ही आप पहुंच जाएंगे बड़े इमामबाड़ा में। तो गाइस बहुत ही लेट हो चुका है यार, मैं चल रहा हूँ जस्ट निकलने, 5 बजने वाले हैं, मैंने टिकट भी वहाँ पे ले लिया था। तो गाइस चलो एंट्री करते हैं इसके रूमी गेट के अंदर।
भाई सबसे पहले यहाँ पे जूता निकालना होता है यहाँ पे एंट्री करने से पहले। भाई मैं जूता निकाल लिया कि यार यहाँ पे बहुत गर्मी है की वजह से जो स्टोन है बहुत जल रहे हैं यार। एंट्री वहाँ से होगी तो वहाँ की एंट्री होने के एंट्री होते ही ऊपर जा सकते हैं हम लोग। ऊपर जो है भूल भुलैया जो भी आप जानते हैं बना हुआ है उसकी एंट्री 5:30 बजे तक 5:30 तक। मैं चलो एंट्री करते हैं यार, यहाँ पर चला नहीं जा रहा है, बहुत तेज पैर जल रहा है, जल्दी चलते हैं देखते हैं वरना बंद हो जाए। गाइस ये पहुँचने वाला हूँ मैं सबसे टॉप पे और ये रहा यहाँ का टॉप व्यू। ये है इमामबाड़े का टॉप व्यू, टॉप प्लेस पे बैठ के यहाँ से जो व्यू दिखता है शानदार। वो वहाँ पे है एंट्री पॉइंट। मतलब हम इंडियंस की एक खास बात है, जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं सब फेंक देते हैं। अरे ठीक है भाई हर जगह फेंक देते हो, ठीक है फेंक देते हो, लेकिन यार ये हेरिटेज प्लेस है। ये चारों तरफ बॉटल ही बॉटल, यहाँ पे लोग पानी पी के कचरा फैला रखे। चीज और दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे लोगों ने इसको तोड़ दिया है। कि भाई हमारे लिए क्या बताएं, भाई घूमने आ रहा हो घूम करके चले जाओ, यहाँ से देख के चले जाओ, तोड़ने की क्या ज़रूरत है। जैसा बना हुआ इतना बेहतरीन खूबसूरत है, ये तोड़िए मत, इसको नुकसान मत पहुँचाइए, आइए ट्रेवल करिए घूमिए चले जाइए। यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेवल करने आ रहे हैं, इसको विजिट करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे कचरा ना फैलाएं। जो भी कचरा है अपने साथ लेके जहाँ से चले जाएं, डस्टबिन बाहर बना हुआ है उसमें डाल दीजिए। तो गाइस बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं जाने के लिए। यहाँ पे भी एक छत से एक यहाँ पे गैप है, मतलब एक जगह जहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, और एक जस्ट वहाँ पे एक गैप है। तो गाइस दूर ना जाते हुए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसी से नीचे चलते हैं, देखते हैं। सारे लोग यहीं से नीचे जा रहे हैं, वहाँ से भी नीचे जाने के लिए, लेकिन यहीं से चलते हैं। और ये हम लोग चल रहे हैं भूल भुलैया में, इसी को कहते हैं भूल भुलैया। यहाँ से मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, मैं इधर से एंट्री करता हूँ, इधर काफ़ी हल्ला मचा रहे हैं लोग। गाइस ये अब मैं एंट्री कर गया, जब छत से जब नीचे उतरेंगे तो आपको ये भूल भुलैया दिख जाएगा। इसके अंदर मतलब जो दीवारें हैं उसके अंदर अंदर से ही एक गली टाइप की बनाई गई है, इसी को ही भूल भुलैया कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और गाइस भूल भुलैया के अंदर हम आ गए हैं, यही है भूल भुलैया। एक्चुअली जो दीवारें हैं, दीवारें के अंदर से छोटी पतली पतली नालियाँ, ऐसी गलियाँ, ऐसी रास्ते बनाए गए हैं, इसी को ही भूल भुलैया कहते हैं यहाँ पे। और कहीं अंधेरा है या फिर यहाँ से देखना चाहिए, वो वहाँ तक पूरा भूल भुलैया का रास्ता है। मतलब जितने दीवारें हैं दीवारों के अंदर अंदर से पूरे नालियाँ जैसे गलियों जैसे गली बनाई गई है, उसी को ही भूल भुलैया कह रहे हैं। तो गाइस अभी मेन भूल भुलैया के अंदर पतली गली में एंट्री कर रहा है, पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा ही अंधेरा है। किधर चल रहा है सब लोग? अरे भाई टॉर्च ली हो गया, चलिए चलिए। हाँ पूरा अंधेरा यार, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाप रे बाहर आ गया, ज्यादा ही अंधेरा था यार यहाँ। और हम लोग यहाँ से आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। इधर से एंट्री किया था मैं, मतलब एंट्री तो ऊपर से किया था, एंट्री वहां से किया था, ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से घूमते घूमते इधर से निकल गया बाहर। चलो फिर से घूमते हैं, मजा आ रहा है, घर और जा रहा हूँ। चलो फिर से नीचे जा रहा हूँ, एकदम नीचे जा रहा हूँ। अब बात इन लोग से जा रहा हूँ, इन लोगों का टॉर्च है भाई, मेरे मोबाइल का फ्लैश काम नहीं कर रहा है।
भाई नीचे किधर से है? सच में खुलवा दिए सब यार। फिर वही आ गए जहाँ से चले थे यार, फ्लोर पे चले जाओ यार। ऊपर जा रहा है क्या भाई? नीचे जाना है। ओ माय फाइनली यार, बहुत देर के बाद मैं खो ही गया था, निकल आया यार, दिमाग खराब हो गया घूमते घूमते, थक गया। अबे अगर इन लोगों से मैं अलग नहीं हुआ होता फंस गया होता मैं। नीचे आ गया मैं, चल रहा हूँ। गाइस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आ रहे हो तो गाइड जरूर ले ले रहे यार, वरना फंसने वाले हो। यहाँ पे फंस गया था, काफी खोजने के बाद यार रास्ता मिला है, यहाँ पे फाइनली मिल गया यार। निकल आया मैं बाहर, चलो यार जूते ले लेता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ मैं। तो गाइस घूमने में तो बहुत मज़ा आया, और आपको कैसा लगा यार वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए ट्रैवलिंग ब्लॉग में बनाता रहता हूँ। तो गाइस चलो मिलने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।